फुट का तनावा है तब भी, 10 फुट का तनावा है तब भी, 6 फुट का तनावा है तब भी, इंसाफ की बात करो, अमल की बात करो, अदालत की बात करो। मैं ये बात समझता हूं अगर एनक्रोचमेंट का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, शामलात का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर इससे किसी को इस्तिस्ना नहीं है तो हम भी तुम्हारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये बात समझता हूं अगर बड़ी काला के महल को रेगुलराइज किया जा सकता है तो उससे कई गुना ज्यादा मस्जिद हकदार है उसको रेगुलराइज किया जाए। अब नाते ग्रामी कदर अगर वजीर आजम के घर को रेगुलराइज किया जा सकता है, उससे फीसें ली जा सकती हैं, तो मुझे ये बात बताइए वजीर आजम का घर ज्यादा अहमियत कहां मिले कि अल्लाह का घर ज्यादा अहमियत। अल्लाह के घर को यहाँ पे रेगुलराइज होना चाहिए। अगर तुम ये सिस्टम अपनी जात के लिए बड़ी गाला में अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आज मैं देवबंदी दोस्तों की मौजूदगी में, बरेलवी दोस्तों की मौजूदगी में, आलुल हदीस की मौजूदगी में इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल व करम से हम माल के भूखे नहीं, हम अल्लाह ताला के फजल व करम से काबतुल्लाह की भेड़ी भी असद और इसकी असद को बचाने के लिए हर किस्म का मुआवजा देने के लिए तैयार थे, हर किस्म की फीसें देने के लिए तैयार थे, हर किस्म के कानूनी तकाजों को पूरा करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये कैसे जो वजीर आजम के घर को इंसाफ देता है लेकिन रब के घर को इंसाफ नहीं देता। हजरात-ए-गिरामी कदर हम इंसाफ के इस जाती बनाए हुए कुली और रसूल को कबूल करने के लिए हमारा तैयार नहीं है। हजरात-ए-गिरामी कदर हम आज यहाँ पर इश्तिहार अंगेजी करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे रियासत से बगावत का दरस देने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे टकराव की बात करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे ईंट से ईंट बजाने की बात करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सिविल नाफरमानियों की बात करने के लिए नहीं आए। इसलिए ये सारा का सारा हादसा तो तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान का हादसा है। अल्लाह ने हमें अकल भी दी है, भी दिया है, अमन अमान की सलाहियत भी दी है, दलील और बुरहान का मलका भी दिया है, बात करने का सलूक भी दिया है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं मानते, हम एक ही बात को मानते हैं, जिस तरह मस्जिद को गिराया गया उसी तरह मस्जिद को दोबारा तामीर कर दिया जाए। हजरात ग्रामीण कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप ये बात का मुतालबा करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह मस्जिद को गिराया है उसी तरह उसके जरूर दीवार की दोबारा तामीर को मुकम्मल कर दिया जाए। हजरात ग्रामीण कदर सोचने की बात यह है, आज जब किसी मस्जिद की बात आती है तो आप शामलात के ऊपर कब्जे का इशू खड़ा करके 25 साल पुरानी मस्जिद को उसकी हद तक की परमात्मा और तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि अफसोस बेशुमार सुनाए गई वो फिर मसादे खल्क से नाकुफ रह गई। हजरात ग्रामी कदर हम ये बात नहीं करना चाहते, अगर तुम्हारी जुबान खुलवाना चाहते हो तुम्हारी अपनी सबों के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको लैंड माफिया का सरबरा होने का इलाज हासिल है, अगर तुम इंसाफ पसंद हो, अगर तुम एनक्रोचमेंट के खिलाफ हो, अगर तुम दंगा माफिया के खिलाफ हो, तो हम तुमसे ये सवाल करते हैं, हम तुमसे इस बात का मुतालबा करते हैं कि तुम्हारी सबों के अंदर जो लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा करने वाले लोग मौजूद हैं हम उनको पिन पॉइंट करने के लिए तैयार है कि आप उनको सजा देने के लिए तैयार हो। हजरात ग्रामी कदर जिन्होंने लैंड माफिया के कल्चर के लिए अपनी सियासत से काम लिया, क्या उनका मुआवजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या उनका इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात ग्रामी कदर इस मस्जिद के अंदर अगर मस्जिद आबाद हो जाएगी, इसकी छतें बन जाएंगी, इसकी दीवारें बन जाएंगी, तो किसी की सादगी पर नहीं बनेगी बल्कि अल्लाह का घर बनेगा। अगर आप
मैं नमाज को पढ़ाने के बाद जुमे को पढ़ाने के बाद लाहौर चला जाऊंगा। आप नमाजी नमाज से पढ़ने के बाद अपने घरों को चले जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी भी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा करके अपने असासों को बनाया है, ¡Gracias!
وہاں لے کے مسجدوں کو کرانے لگا رہے ہیں. حضرات غازی صدر اکابرین تحریر پاکستان کا پاکستان کا نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرات غازی صدر لیکن ہمیں مدینہ کی ریاست کے نام پر جو کچھ چلایا جا رہا ہے ہمیں کام نہیں کر سکتے. مدینے کا چہرہ نہیں, مدینے کا چہرہ تو چہرہ تھا مدینہ جس کا چہرہ بھیا سدا آئی خدا کی آتی تھی. مدینہ کی ریاست سب وہ ریاست تھی جہاں پر بیٹیوں کے سر کے پر ہلاک ہوتا تھا. مدینہ کی ریاست سب وہ ریاست تھی جہاں پر کندھے سے سردار کندھے سے سر ہلاک ہوتا تھا. مدینہ کی ریاست سب وہ ریاست تھی جس کے بارے میں مولانا بڑی خان نے کہا تھا. مولانا بڑی خان فرماتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا, ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یہ سبھی تحریک کی دل نشین اور سچا ہے. حضرات گرامی قدر خان صاحب نے مسئلے کی طرف آنے کے لیے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا دیا. لیکن ریاست مدینہ کو بنائی جو ہجرت سے پہلے کی ریاست تھی. ہم مدینہ کی ریاست کو انشاءاللہ جس سے جب مدینہ کا نعرہ لگایا گیا ہے اس کو اصل کی طرف پلٹا کے چھوڑیں گے. حرمت رسول اللہ کے رنگ کو اٹھا کے چھوڑیں گے. اپنے نبوت کے ٹنگوں کو بجا کے چھوڑیں گے. شرم و حیا کے پیام کو عام کر کے چھوڑیں گے. مسجدوں اور مدارس کی عزت کو بچا کے چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں میں انشاءاللہ روک کے چھوڑیں گے. Oh!
شدید الاقدار ہے، میرا رب جباروں کا ہار ہے، اور اگر رانی کا دوسری پکڑ سے جھڑ جاؤ گے نا مفسر نہیں کر شدید، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں مسجدیں آباد ہوتی ہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں کی آباد کاری کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی نہیں، جو کرونا سے چل کے باہر کی ہوئی تو باہر کی ہوئی، تو کرونا سے نہیں ہمارے مسجد میں آتے مسجدوں کو آباد کرتے ہی رہے، اللہ کو اوپر کی سماؤں کو بلند کرتے ہی رہے، حیا السلام حیا السلام کی سماؤں کو بلند کرتے ہی رہے، حضرات آج میں آیا ہوں اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا یہاں انشاءاللہ عظیم شان مسجد ہوگی، انسان کے تھوڑے معیار کو ختم کیا جائے، اور اس مسجد کی آباد کاری کے لیے انشاءاللہ وسائل کو دینے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ وسائل کو دینے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ضرور تعاون فرمائے، ان اللہ علیم بالقدر والاحسان و ایمان سے قربا بجمان فرشائی لوگوں کو مرحبا سبحان ربی رب العزت عزت و سلام و سلیم